यूनिवर्सिटी के सारे तिवारी। इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत अवघट की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमने लास्ट वीडियो में बात किया था मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता क्या होता है, ठीक है। तो उसमें हमने जो है मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट था चालकता को अगर देखना है तो इसका मतलब है कि उसके आयनों को देखना पड़ेगा कि कितने आयन्स निकल रहे हैं। तो ये जो प्रभावित करने वाले कारक हैं ये टोटल जो है वो आयन्स पर ही निर्भर करेंगे और आयन के गुणों पर निर्भर करेंगे। तो उसको हम समझते हैं क्या है इसमें, ठीक है। तो पहला है आपका कह रहा है कि आप हेडिंग डाल लेंगे वैद्युत अवघट की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला है आपका अंतर आयनिक आकर्षण बल। तो अंतर आयनिक मतलब अंतर मतलब होगा दो, यानी कह सकते हैं धनायन और ऋणायन के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है। अब ये सोचिए जरा कि जैसे मान लीजिए हमने नमक का घोल, यानी नमक क्या है आपका वैद्युत अवघट है, इसको आपने घोला, ठीक है। जब आप घोलेंगे तो क्या होगा Na+ और Cl- के बीच में क्या होगा आकर्षण है। अगर ये आकर्षण बल का मान क्या होगा ज्यादा होगा तो ये आयनित कम होगा, और जब आयनित कम होगा तो हम ये कहेंगे इसकी चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आयनों की संख्या क्या होगी कम होगी। तो ये कह रहा है कि यदि विलेय के मध्य अंतर आयनिक आकर्षण बल अधिक है तो चालकता का मान क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, क्लियर। तो अगर अंतर आयनिक आकर्षण बल का मान ज्यादा होगा तो ये क्या होंगे एक दूसरे से ज्यादा मतलब क्या होगा खींचे होंगे, इसका मतलब है कि इन आयन जो होगा वो मुक्त रूप से गति नहीं कर सकता, और जब गति नहीं करेगा तो इसकी चालकता क्या होगी कम हो जाएगी। तो यही कह रहा है कि अगर अंतर आयनिक आकर्षण बल का मान अधिक है तो चालकता कम होगी, अगर अंतर आयनिक आकर्षण बल का मान कम कर दे रहे हैं तो चालकता क्या हो जाएगी अधिक हो जाएगी, क्लियर। तो ये आप इसका पहला पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका विलायक की ध्रुवीयता। तो ध्रुवीयता से मतलब क्या है कि ध्रुवीय मतलब होगा जो आयनित हो जाए, ठीक है, या कह सकते हैं कि उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज आ जाए, ठीक है। तो विलायक की प्रकृति, अब ये सोचिए कि जो है जो हमने वैद्युत अवघट की बात किया था तो उसे आयनों में वियोजित करना था, आयनों में वियोजित मतलब प्लस और माइनस जनरेट हो रहा था, ठीक है, यानी वो पोलर है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम जानते हैं यानी ध्रुवीय है तो विलेय भी ध्रुवीय है, तो विलायक भी कैसा होना चाहिए ध्रुवीय। आप जानते होंगे कि अगर किसी चीज को आपको घोलना है यानी किसी विलेय को आपको घोलना है विलायक में तो दो चीजें हमें जानना जरूरी है कि अगर विलेय कैसा है ध्रुवीय है, विलेय अगर ध्रुवीय होगा तो विलायक भी कैसा होना चाहिए ध्रुवीय होना चाहिए, ठीक है, ये भी कैसा होना चाहिए ध्रुवीय होता है, ठीक है। यानी कहते हैं जैसे को तैसा घोले, यानी गधे के साथ गधा रहता है उसी टाइप से हम कह सकते हैं ध्रुवीय ध्रुवीय के साथ घुलता है, ठीक है। और अगर अध्रुवीय है, क्या है आपका अध्रुवीय है, तो ये अध्रुवीय के साथ ही घुलेगा, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब आप NaCl ले रहे हो यानी वैद्युत अवघट ले रहे हो, कोई भी वैद्युत अवघट लीजिए NaCl KCl, और विद्युत अवघट के बारे में हमने पहले वीडियो बनाया है उसको आप देखे होंगे तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ Na+ और Cl- है, ठीक है। और अगर आप ध्रुवीय विलायक जैसे मान लीजिए वाटर है तो वाटर का क्या होगा ध्रुवीय विलायक अगर देखेंगे तो यह इसका क्या होगा कोई ना कोई डायपोल मोमेंट होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा इसका रिजल्टेंट द्विध्रुव आघूर्ण इसके बीच से ऐसे ऊपर की ओर काम करता है तो हम कहेंगे कि म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या होगा ये कैसा होगा ये नहीं कह सकते हैं ध्रुवीय होगा, ठीक है। अब ध्रुवीय ध्रुवीय को घोलेगा और अध्रुवीय अध्रुवीय को घोलेगा, इसीलिए नमक को जब आप पानी में घोलेंगे तो आसानी से घुल जाएगा, लेकिन आप वही कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोलेंगे तो नहीं घुलेगा। ये आगे एक क्लास 11th का पॉट टॉपिक है, आप उसमें समझ सकते हैं, या फिर इनऑर्गेनिक जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आप इसको समझेंगे, ठीक है। तो बस इतना ध्यान में रखेंगे ध्रुवीय है इसलिए हमें विलायक भी कैसा लेना चाहिए ध्रुवीय। तो वही कह रहा है विलायक का ध्रुवीयता, तो ध्रुवीयता मतलब विलायक की अगर ध्रुवीय प्रकृति ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आयनन की संख्या ज्यादा होगी और आयनों की संख्या ज्यादा होगी तो चालकता क्या होगी ज्यादा होगी। बस इतना ध्यान में रखो, कह रहा है यदि विलायक अधिक ध्रुवीय होता है तो आयनन तथा चालकता अधिक होती है, आयनन और चालकता क्या हो जाएगी अधिक हो जाएगी। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, यानी माध्यम की श्यानता। अब श्यानता क्या होती है, जैसे मान लीजिए द्रव बह रहा है, अब जब द्रव बहेगा तो उसके बीच का जो सतह होगा यानी दो द्रवों के बीच का जो सतह होगा उसके अणुओं के बीच में क्या होता है दो अपोजिट फोर्स लगता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि एक क्या होगा ये आगे की ओर बढ़ना चाहता है लेकिन क्या करता है नीचे वाला जो सतह क्या करता है उसको रोकने की कोशिश करता है, तो हम ये कहेंगे कि उसके बीच में जो लगने वाला
प्रतिक्रिया जो बल होता है उसे हम क्या कहते हैं, श्यानता कहेंगे। अब ये सोचो कि अगर दो सतह है और वो बहना चाहते हैं, तो बहना चाहते हैं अगर वो उसको रोक रहा है यानी श्यानता बढ़ रहा है, तो श्यानता बढ़ेगा तो वो गति कम करेगा, और जब गति करेगा कम करेगा तो आयन भी गति कम करेंगे, जब आयन कम गति करेंगे तो इसकी मतलब है कि उसकी चालकता भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये कह रहा है कि माध्यम की श्यानता जो होती है बढ़ने पर चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि श्यानता जब बढ़ेगी तो आयनों का जो मूवमेंट होगा यानी उसकी गति जो होगी वो कम हो जाएगी, इसलिए उसकी चालकता भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब बात करते हैं तापमान एवं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब सोचिए जरा, समानता है कि जैसे नमक है और आपने पानी पानी में मिला करके रखा है और उसकी चालकता देखनी है, और आपने क्या किया, उसी टाइप का एक नमक लिया और पानी में उसको घोला, उसके बाद जो है आप उसको हीट करना चालू किए, जब हीट करेंगे तो क्या हो जाएगी, वो जो हीट होगा यानी कह सकते हैं तापमान जो होगा वह क्या करेगा, वह एनर्जी हीट को क्या करेगा, वह एन ए प्लस जो होगा या सी एल माइनस जो टूटेगा वह उसको अवशोषित कर लेगा, अवशोषित कर लेगा तो क्या होगा, कह सकते हैं कि जो आयन होंगे उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और जब आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो हमें कहेंगे जैसे एन ए प्लस की गतिज ऊर्जा बढ़ गई, सी एल माइनस की गतिज ऊर्जा बढ़ गई, तो दोनों के बीच में जो आकर्षण बल होगा उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब आकर्षण बल का मान कम होगा तो इसका मतलब है कि वो फ्रीली मूव करेंगे, यानी कह सकते हैं मुक्त रूप से वो गति कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा, जब आसानी से गति करेंगे तो चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वही कह रहा है कि अगर तापमान यानी विद्युत अवघट के विलयन का ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, क्योंकि आयनों की गतिज ऊर्जा जो होती है, लिखेंगे गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है, सभी प्रकार के आकर्षण बल का मान घटता है। तो अगर बात करते हैं कि आयनों की गतिज ऊर्जा जब बढ़ जाएगी तो और जो उसके आकर्षण बल का मान जो होगा वो घट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम तनुता। तनुता मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए तनुता का मतलब हो गया कि तनु करना, यानी कह सकते हैं विलायक के अणुओं की संख्या को बढ़ाना, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कि हमने क्या किया, एक बीकर ले लिया, ठीक है, एक पात्र या एक बीकर ले लिया और इसमें हमने 10 ग्राम क्या किया, NaCl घोल लिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा पात्र लिया और इसमें भी क्या किया, हमने 10 ग्राम NaCl ले लिया। अब विलायक मिलाए, अब मान लीजिए इसमें हमने 1000 ml पानी मिला दिया और इसमें क्या किया, हमने 500 ml पानी मिला दिया, ठीक है, इनमें आधा लीटर और इसमें 1 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है। और जब ये 1 लीटर जब हम पानी मिला देंगे तो कहेंगे कि यह ज्यादा तन हो गया, क्यों, क्योंकि इसकी विलयता जो है बढ़ गई, इसकी विलयता क्या होगी, बढ़ गई। तो हम ये कहेंगे जब आप विलय करेंगे यानी कह सकते हैं कि इसमें विलायक के अणुओं की संख्या ज्यादा करेंगे तो क्या करेगा, ज्यादा घोलेगा तो आयनों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, और जब आयनों की संख्या बढ़ेगी तो चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वही कह रहा है कि विलयन की तनुता बढ़ाने पर आयन की मात्रा बढ़ती है तथा आयनों की संख्या बढ़ने के कारण चालकता बढ़ती है। तो चालकता की बात किया गया तो चालकता मैंने शुरुआत में कहा कि चालकता जो होगी वो आयनों की संख्या पर निर्भर करेगी। अब जब आप ज्यादा पानी मिलाएंगे तो ज्यादा घुलेगा, और ज्यादा घुलेगा तो चालकता क्या हो जाएगी, उसकी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है, आयनों की संख्या बढ़ेगी तो चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम बाउंड्री लगा दें तो गलत हो जाएगा, यह जो पॉइंट है ये विशिष्टता के लिए लागू नहीं होगी। अगर विशिष्ट चालकता की बात करेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कह रहा है तनुता के साथ विशिष्ट चालकता का मान घटता है क्योंकि प्रति सेंटीमीटर क्यूब विलयन में आयनों की संख्या घटती है। अब ये सोचिए जरा कि जैसे मान लीजिए हमने एक पात्र ले लिया, ठीक है, हमने एक पात्र ले लिया, अब यहां तक हमने पानी भर दिया, ठीक है, यहां तक हमने पानी भर दिया और इसमें मान लीजिए 10 अणु हमने एन ए प्लस के मिलाए और 10 आयंस और 10 सी एल माइनस मिलाया, ठीक है। और जब ये दोनों को मिलाया यानी ये आयंस को जो आपने 10 को मिलाया और उसको पानी में आपने इसको घोल दिया, ठीक है, अब घोल दिए तो इतने का जो है चालकता कुछ होगा मान लीजिए, ठीक है। अब आपने क्या किया, ठीक है, अब मान लीजिए इसका जो आयतन है 1 cm³ है, ठीक है, अब यहाँ पे 1 cm³। अब मान लीजिए आप तन कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप पानी और मिला रहे हो। अब पानी मिला दिए और ये पूरा बॉटल भर दीजिए, आप पूरा जो है आपका बीकर भर गया। अब जो जब पूरा भर देंगे तो ये जो एन ए प्लस और सी एल माइनस होगा वो सब में तो वितरित होगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। लेकिन जब ये कह रहा है कि हमें विशिष्ट की बात कर रहा है,
यानी ये फिक्स बाउंड्री की बात कर रहा है, यानी एक सेंटीमीटर क्यूब आयतन के ही बारे में बात कर रहा है। यहाँ तक ही बताओ कि इसकी चालकता क्या होगी। तो यहाँ से क्या होगा, आयंस ऊपर में चला जाएगा, तो कुछ आयंस जो होंगे जब ऊपर चले जाएंगे तो इसमें आयनों की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब मान लीजिए आधा आधा बात करें तो पांच आयंस जो होंगे ऊपर चले जाएंगे और पांच जो सीएल माइनस आयन होंगे वो नीचे रह जाएंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इसकी जो चालकता होगी वो घट जाए, क्यों, क्योंकि आयनों की संख्या घट रही है। तो अगर विशिष्ट की बात जब करोगे तो इसका मतलब आपने बाउंड्री फिक्स कर दिया कि हमें इतने का ही बताओ। अब जब मान लीजिए इतना है और पानी ज्यादा भर दिए तो इतने ही अणुओं की संख्या निकल के चले जाएंगे और कुछ अणु ही बच जाएंगे। तो कुछ अणु जब बचेंगे तो यानी आयनों की संख्या घटेगी और चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। तो तनुता की अगर हम बात करें तो तनुता बढ़ाने पर समानता एक और कंसेप्ट पढ़ सकते हैं कि अगर आप तनुता की बात कर रहे हो तो इसका मतलब आप पानी मिला रहे हो, पानी मिलाओगे तो घुलेगा और जब वो घुलेगा तो वो क्या होंगे, आयंस बहुत दूर दूर चले जाएंगे। जब आयंस दूर दूर चले जाएंगे तो उसके आयनों के बीच में जो आकर्षण बल होगा उसका मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब आकर्षण बल का मान जब घटेगा तो वो आयन जो होंगे वो फ्री मूव करेंगे, ठीक है, आसानी से गति कर सकते हैं, जिसकी चालकता क्या होगी, बढ़ जाएगी, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। लेकिन जब आप विशिष्टता की बात करोगे तो वहाँ आयनों की संख्या क्या हो जाएगी, घटने के कारण भी रहता उसकी जो चालकता है वो घट जाएगी, क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे सांद्रता, तो सांद्रता की बात करते हैं तो सांद्रता में कह रहा है कि किसी भी तनु पर तुल्यांकी जो चालकता होता है, किसी भी तनुता पर जो है, मान लीजिए कुछ भी आपने एक मोलर लिया है, 0.05 मोलर लिए हैं, कुछ भी मोलर आप विलयन लिए हैं, ठीक है, या नॉर्मल विलयन लिए हैं। यहाँ पर नॉर्मल विलयन की बात करेंगे, आप मोलर विलयन भी ले सकते हैं। अगर आप मोलर विलयन लेंगे तो यहाँ पर मोलर चालकता हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी भी तनुता पर तुल्यांकी चालकता तथा अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता का जो अनुपात होता है, ठीक है, अनुपात विलेय के वियोजन की मात्रा कहलाती है, जिसे अल्फा से प्रभावित करते हैं। यानी हमें कह सकते हैं कि जो किसी भी तनुता पर जो है तुल्यांकी जो चालकता होगी और अनंत पर जो अनंत तुल्यांकी चालकता, अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं अनंत तनुता क्या होता है। तो अनंत तनुता मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, पानी NaCl को आप पानी में क्या कर रहे हो, आप पानी मिलाते जा रहे हो, तनु करते जा रहे हो। एक समय ऐसा आएगा कि वो तनु होना बंद हो जाएगा, तो हमें कहेंगे कि वह सीमांत कह सकते हैं तनुता हो गया, यानी सीमांत तनुता, यानी एक सीमा के अंत होगा। यानी हम कह सकते हैं कि उसके बाद आप उसका डायल्यूशन नहीं कर सकते। अब वो जब डायल्यूट नहीं होगा तो उस समय उसकी जो चालकता होगी वो सबसे अधिकतम होगी, ठीक है। तो उसी को कहते हैं अनंत तनुता पर चालकता, ठीक है। तो अब वो मोलर चालकता भी, अगर मोलर विलयन ले रहे हैं तो मोलर चालकता, और अगर नॉर्मल विलयन ले रहे हैं तो नॉर्मल चालकता, यानी कह सकते हैं तुल्यांकी चालकता। तो तुल्यांकी चालकता का अनुपात जो होता है वो विलेय के वियोजन की मात्रा के बराबर होती है, या कह सकते हैं वियोजन की मात्रा कहलाती है, ठीक है। तो यही बताएगा कि विलेय की मात्रा कितना वियोजित होगा और उसका अनुपात से हम क्या करते हैं, इसे न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते हैं। आप यहाँ पे अल्फा बराबर, इसे अल्फा से प्रकट करते हैं, अल्फा बराबर लेमडा ए क्यू बाई लेमडा नॉट, यहाँ पर आप नॉट ले सकते हैं यानी जीरो ले सकते हैं, कहीं कहीं आपको लेमडा जो है दिया होगा, लेमडा इनफाइनाइट दिया होगा, इनफाइनाइट मतलब अनंत। तो दोनों बातें की है, या तो लेमडा जीरो लिखिए या तो आप लेमडा नॉट इनफाइनाइट लिखिए, ठीक है। जहां पर कह रहा है लेमडा एक तुल्यांकी चालकता है, यानी किसी भी तनुता पर तुल्यांकी चालकता होगी, और लेमडा नॉट इक्यू जो होगा वो अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता होगी। अभी बात करते हैं सांद्रता, सांद्रता और चालकता में अभी भी बहुत से संबंध है। तो उसमें जो परवल वैद्युत अपघट का अगर हम सांद्रता देखेंगे तो उसका क्या वैद्युत चालकता पर इफेक्ट पड़ेगा, उसके बाद दुर्बल वैद्युत अपघट लेते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए जो है डिवाई, एक साइंटिस्ट थे डिवाई, ठीक है, डिवाई ऑन सेगर थियरी एक दी गई थी, जिससे ये बताया गया था कि जो प्रबल होंगे और दुर्बल होगा उसके लिए हम कैसे उसकी तुल्यांकी चालकता की गणना कर सकते हैं। उसके बाद एक थियरी और आई थी जिसे हम कह सकते हैं कि कोलराउस का नियम है, ठीक है। तो ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे और उसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।